दोस्तों, क्या आपको भी पुरानी रहस्यमय कहानियां पसंद हैं? अगर हाँ तो आप सही जगह पर हैं। तो चलिए आज बात करते हैं राम सेतु की, जो एक अद्भुत रहस्य है। जी हाँ, वही समुद्र के ऊपर बना वो पौराणिक पुल जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, माना जाता है कि इसे भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था। ये पुल अद्वितीय है। भारत से श्रीलंका तक फैला यह अद्भुत ढांचा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक ग्रंथों और सैटेलाइट तस्वीरों से इसके होने के सबूत मिलते हैं, जो इसे एक किंवदंती और हकीकत का मिश्रण बनाते हैं। यह पुल वाकई अद्भुत है। राम सेतु की सबसे दिलचस्प बात है इसके साथ जुड़ी कहानी, जो हर किसी को रोमांचित कर देती है। कहा जाता है कि इस पुल का निर्माण सीता माता को बचाने के लिए किया गया था, जो एक महान कार्य था। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो उस जमाने की तकनीक का कमाल दिखाता है और आज भी लोगों को हैरान करता है। फिर चाहे आप इसे भगवान का चमत्कार माने या फिर कुदरती बनावट, राम सेतु आस्था का प्रतीक है और इंसानी सोच की ताकत का सबूत। ये पुल वाकई अद्वितीय है। तो अगली बार जब आप इतिहास के अजूबों के बारे में सोचें, तो राम सेतु आपको इसके रहस्य और कालजयी आकर्षण से प्रेरित करेगा। ये पुल सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। इस पुल की संरचना और इसके निर्माण की कहानी आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पुल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, जो उस समय की उन्नत तकनीक का प्रमाण है। इस पुल के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीकें और सामग्री आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। राम सेतु न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह पुल हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति को संजोए रखें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी रहस्यमयी और अद्भुत स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो राम सेतु को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। यह पुल वाकई अद्वितीय है और सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।